उत्तर प्रदेश संभल पुलिस चाहे लाख प्रयास कर ले, लेकिन दरिंदे दरिंदगी को छोड़ने को राजी नहीं है। इनमें ना तो पुलिस का कोई खौफ है और ना ही कानून का कोई डर। दरिंदों ने दरिंदगी को बेखौफ होकर दिया अंजाम। दरिंदे महिलाओं पर खुलेआम कर रहे हैं अत्याचार। यहाँ तक कि महिलाएं अगर दुष्कर्म का विरोध करती हैं तो उनको जिंदा जला दिया जाता है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश संभल के थाना राजपुरा गांव पाठकपुरा का है। यहाँ एक महिला को घर में अकेली पाकर उसके साथ गैंगरेप करने का प्रयास किया गया। जब महिला ने उनका विरोध किया तो महिला को गाँव के बाहर बाबा की मेड़िया पर ले जाकर उसको जिंदा जला दिया गया। अरे भाई, मामा के लड़का पास फोन किया, इन लोगों ने पकड़ लिया। अच्छा, किसने फोन किया? हमारी बहन ने। अच्छा, फिर हमारे मामा लड़का ने कहा बहन मैं आ रहा हूँ और मतलब इन लोगों को पकड़ के ले जाके तो हम जिंदगी जला दे, फोन कहाँ कर रही है, है? पकड़ के मार के अंदर आग लगा दी। धर्म किए बाबा के आश्रम किए। तो बाबा नहीं थे क्या रात? ना बाबा ना भाग गए सब, यहाँ बाबा गए। मेरे पास 2:30 बजे करीब फोन गया था जी। इन्होंने फोन किया रात रात किया था या रात? अच्छा, तो इन्होंने फोन किया, मैंने पूछा कौन, तो मैं मेरे को बोल रही काफ़ी देर मेरे पास रोई हैं। फिर मैंने पूछा क्या बात है, क्यों रो रही हो? क्या मेरे जो 4-5 लोगों ने आके बेइज्जती करी है, और बेइज्जती करने के बाद बोल रहे हैं तेरे को जिंदा जला के मारेंगे। जब इन्होंने मेरे को बात करते देख लिया, इन्होंने हमारी बहन को उठा के जिंदा जला दिया। अब हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं उसे देख कर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, यह नज़ारा है उत्तर प्रदेश के थाना जनपद संभल का, जहाँ एक महिला के साथ कुछ दरिंदों ने दरिंदगी की और उसके बाद उसे गांव के बाहर ले जाकर जिंदा जला दिया, जिससे उनकी करतूत का किसी को भी पता ना चल सके। मृतका की पहचान मेगा निवासी पाठकपुरा के रूप में हुई है। मृतका महिला का पति यूपी गाजियाबाद में मजदूरी करता है। महिला के मायके वालों ने ससुराल पक्ष के 4 लोगों पर आरोप लगाया है। बताया कि उन्हें रात लगभग 2 बजे उसकी मृतका बहन का फोन आया था और उसको 4 लोगों द्वारा घेरने की बात मोबाइल ऑडियो में मौजूद है, जिसमें कि मृतका के भाई ने 100 नंबर पर बात करने के लिए कहा तो महिला ने बताया कि 100 नंबर फोन नहीं उठा रहे हैं और अपने भाई से मदद की गुहार लगाई। चारों आरोपियों के नाम ऑडियो क्लिप में खोले गए हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जाँच का विषय बताते हुए कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। सूचना मिली है ग्राम बड़ा राजपुरा थाना राजपुरा के अंदर बड़ा फाटापुर गांव है, इसमें एक लेडी को जलाकर मारा गया है झोपड़ी के अंदर। और इन सब कुछ हमने कहा कि आप अपना FIR दीजिए, FIR के बाद में हम उसकी कार्रवाई करेंगे और जो भी मुझे पकड़ा जाएगा और संबंधित धारा मुकदमा काम पर भी दिल भेजा जाएगा, और बाकी जो कार्रवाई हैं वो पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के बाद आएगा। नहीं, परिवार का तो बताया जा रहा है गांव के लोग हैं, लेकिन अभी वो FIR आ जाएगी, उसे क्लियर हो पाएगा। क्राइम टीम सहित संभल पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंची और हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों को पकड़ने में जुट गई है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आला अधिकारी मृतका के द्वारा बताए गए आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करती है या फिर जांच का विषय बताकर कार्रवाई के नाम पर लीपापोती कर देती है। तेज निगाहें के लिए संदीप कुमार के साथ गजराम सिंह यादव की रिपोर्ट, जनपद संभल। What are you doing?